में पहले भी एक निर्णय लिया गया था, जो टाइम उसको टाइम को कम करने की बात थी, और उस टाइम को कम करने के लिए हमने कहा है, और अभी जितना टाइम पहले स्कूल में देते थे अब वो टाइम उतना नहीं दे रहे, अब कम टाइम लगा रहे उसपे। और जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, जो ये अच्छी है फिर वो मैं बता दे कौन सा तरीका है उसके पास, वो मैं समझा दे कि मेरे पास एक और नया तरीका है, कौन सा तरीका उसके पास है वो मैं बता दे कौन सा तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन देना वो हमारा शौक नहीं है, ये तुम्हारी सब मजबूरी है, और मजबूरी में चाहे वो सरकार की मजबूरी है चाहे प्राइवेट स्कूलों की मजबूरी, दोनों की मजबूरी में होते रहे सारा का सारा ऑनलाइन, ये कोई शौक नहीं है। जैसे ही मान लो स्थिति ठीक होती है तो निश्चित तौर से ऑनलाइन को हम बंद करेंगे और सीधा देंगे। और अगर इसमें कुछ जो भी काम करते हैं ना जी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना जी, वो बाद में आते हैं सामने कि इसके ये चीज पॉजिटिव है, इसकी ये चीज नेगेटिव है। तो स्वाभाविक हमारी जिम्मेदारी है जो नेगेटिव है उसका दूर करने का जिम्मेदारी भी है हम, उसके लिए अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो जैसे अभी पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इस टाइम को थोड़ा घटाना चाहिए, और वो टाइम उन्होंने निश्चित किया था कि इतने टाइम तक देना चाहिए, अगर उसके बाद भी कुछ सामने इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो निश्चित है उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कोई हमारा शौक नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी मजबूरी है। केंद्र सरकार ने जो हमें आदेश दिया ना जी, वो जो विशेषज्ञ है उनकी राय के बाद ही दिया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वैसे दिया, तो जो विशेषज्ञ है उन्होंने दिया होगा, और आने वाले टाइम में भी अगर कोई विशेषज्ञ इस प्रकार की राय देंगे तो उस पर विचार करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। देखिए स्कूल खुलने की संभावना तो मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि भाई जब विशेषज्ञ हमें राय देंगे कि भी खुलने चाहिए, सेंटर की गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय जो है इस प्रकार का आदेश देगा तो तुरंत स्कूल खोल देंगे, हमारी तैयारी है बिल्कुल स्कूल खोल लेगी।